जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जो भी नीट जी का एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी छात्रों के लिए, देखिए एक अप टू डेट आया है जो दैनिक जागरण के एक आर्टिकल्स में छपा हुआ है कि जी नीट से एग्ज़ाम जुलाई अगस्त में कराने पर सहमति बन रही है। बहुत जल्द हो सकता है इस पर एक कार्यक्रम का ऐलान किया जा सकता है। लेकिन जब आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तो पूरी आर्टिकल्स को जब पढ़ने के बाद आपको देखिए ये आर्टिकल्स जो आ जाया है ये आ है जो आर्टिकल उसमें देखिएगा कई लिए क्यों लेट हुआ, क्योंकि देखिए इंजीनियरिंग में दाखिले में जुड़े संयुक्त परीक्षा जीई और मेंस मेडिकल दाखिले के लिए नीट के कार्यक्रम में देरी का मुख्य वजह है देशों में कई राज्यों में कोरोना संक्रमण रफ्तार तेज होना था। इन राज्यों जैसे महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश शामिल है। वैसे राष्ट्रीय स्तर पर इसका एग्जामिनेशन होता है जिसमें सभी राज्यों के बच्चे इसमें शामिल होते हैं, तो इसको दरकिनार भी किया नहीं जा सकता और इन राज्यों में अभी भी रफ्तार तेज है। तो इससे पूरी आर्टिकल्स को जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें यही पता चलता है कि अभी भी एग्जामिनेशन पर पूरी तरह सहमति नहीं बन रहा है। और अभी जो और भी सूत्रों से जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर एनडीए इन सभी सूचनाओं से भी प्राप्त हो रहा है कि अभी भी एग्जामिनेशन जो है वो होने की कोई संभावना नहीं बन रहा है सितंबर तक, क्योंकि सितंबर तक नहीं बनने के पीछे यह रीज़न है सर कि मेरे बच्चों की अभी जो है थर्ड वेव जो 15 जुलाई से आने वाला है, 15 जुलाई से बहुत ज़बरदस्त थर्ड वेव आएगा जिसको डेल्टा प्लस के नाम से हम लोग जान रहे हैं। तो इसके कारण से ये क्या होगा, केसेस और बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए अब ये 3 अक्टूबर से पहले एग्जामिनेशन होने की कोई संभावना नहीं है। अब हम लोगों को क्या करना है कि ट्विटर पे एक हम लोग कैंपेन चलाएं कि भाई जो भी करना है चाहे जी या नीट का एग्ज़ाम जो भी क्लियर करना है उसे जल्द से जल्द क्लियर कर दिया जाए कि एग्ज़ाम अभी आप लेंगे या अक्टूबर में लेंगे, जिससे बच्चों का तैयारी में असर ना पड़े। और मैं सभी छात्रों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने अपनी तैयारी को बनाए रखें और चाहे एग्जामिनेशन अगस्त में हो, सितंबर में हो, अक्टूबर में हो, किसी महीने में हो, हमें एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना है। सो छात्र आप अपने प्रिपरेशन को तैयारी में रखेंगे। जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।